بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Dear students, السلام عليكم. Student, this is your chemistry class. Take out chemistry book of grade 10. Students, take out page 94. Topic is physical properties of alkyne. In our previous lecture, we discuss about alkyne, preparation of alkyne, rule for naming alkyne. Today we discuss about physical properties of alkyne. First one property is the first three member of alkyne, ethyne, propyne, butyne are gases. Other are liquids and higher are solid. Mean के हमारे पास अगर हम इतने alkane को देखें, alkene को देखें और alkyne को, तो ये तो हमारे पास organic compound है तीनों, तो इसकी properties भी जो हैं तो वो एक दूसरे के साथ similar हैं. लेकिन difference कहाँ पे है इसके name में? हम उसके लिए use करते हैं alkane, alkene and यहाँ पे हम क्या use करते हैं? Ion, alkyne. Alkyne are non-polar, therefore they are insoluble in water but soluble in organic solvent. On complete combustion, they produce carbon dioxide and water with the release of very huge amount of energy. The melting and boiling point and density increase with an increase in the molecular mass. Mean jitna hamare paas molecular mass badhta jayega, utna uska jo melting or boiling point honge to wo bhi badhte jayenge. Okay students, chemical properties of ethyne or alkyne. The first one property is halogenation. Halogenation is the addition of halogen. आप लोग यहाँ पे देखें कि जब हम alkyne को बना रहे थे तो हम ethane को convert करते थे ethene में और फिर ethene को convert करते थे ethyne में. यहाँ पे अगर आप लोग उन reaction को इनवर्स डायरेक्शन में भी लिखे, मीन इथेन को पहले कन्वर्ट करें इथीन में, फिर इथीन को कन्वर्ट करें इथेन में, तो भी आप लोगों को वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है. लेकिन हमारे पास जो बेसिक रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन का. मीन हम यहाँ पे हैलोजिनेशन, हैलोजन ग्रुप की एडिशन करेंगे. ये देखिए इथाइन है, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो एक क्लोरीन जो है एक कार्बन के साथ अटैच होगा और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ. रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में हो रहा है? यहाँ पे रिएक्शन PCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है. तो ये रिएक्शन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है 1,2-dichloroethane. 1,2 मीन एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन है और दूसरे कार्बन के साथ दूसरा क्लोरीन. सो 1,2-dichloro इथीन. इथीन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इथीन. अच्छा, हमने इथाइन को पहले कन्वर्ट किया इथीन में, अब हम इस इथीन को रिएक्शन कंडीशन वही सिर्फ सेम होगा, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरीन का. ये क्लोरीन जो है इस 1,2-dichloroethene के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे 1,1,2,2-tetrachloroethane. पहले कन्वर्ट किया इथाइन को इथीन में, फिर इथीन को कन्वर्ट किया इथेन में. अच्छा, यहाँ ये नेम को देखें 1,1,2,2 मीन कार्बन नंबर 1 के साथ दो क्लोरीन है तो दोनों के लिए हमने लिखा है 1,1. कार्बन नंबर 2 के साथ भी दो क्लोरीन है तो इसके लिए लिखा है 2,2. और कितने क्लोरीन हो गए टोटल? टेट्रा क्लोरो इथेन. सही है, फर्स्ट वन जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो है हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन में हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं हैलोजन की. हैलोजन का जो एक मॉलिक्यूल अगर हम ले क्लोरीन का, तो एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन अटैच होता है जबकि दूसरे के साथ दूसरा. फिर इसी तरह सेकंड स्टेप में रिएक्शन जो है दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन करके तो इथीन को कन्वर्ट करता है इथेन में. द अदर वन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. जिस तरह अल्कीन जो था वो ऑक्सीडेशन कर सकता था, इसी तरह हमारे पास जो अल्काइन है वो भी रिएक्शन कर सकता है ऑक्सीडेशन का. यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा वहां पे तो अल्कोहल बनते थे ना, ये याद रखे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन करें
एल्कीन की, तो एज अ प्रोडक्ट हमारे पास बनता है अल्कोहल, और जब हम ऑक्सीडेशन करें अल्काइन की तो एज अ प्रोडक्ट हमारे पास बनता है कार्बोऑक्सैलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे देखें, जब हमारे पास इथाइन की ऑक्सीडेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट तो हमारे पास क्या बना? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ कार्बोऑक्सैलिक एसिड और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। यूनिट नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? अल्केन के बारे में पढ़ा, अल्कीन के बारे में पढ़ा और अल्काइन के बारे में पढ़ा कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें फिर हमने अल्केन को डिस्कस किया, जबकि अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस किया। ओके, अल्केन में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो अल्केन है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्केन जो है वो रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं साइक्लोअल्केन, और उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इस अल्केन को हम पैराफीन भी कह सकते हैं। इट्स मीन के ये इसकी रिएक्शन एबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो स्टेबल है, और जब स्टेबिलिटी हो तो रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से वो रिएक्शन करने के एबल इतने नहीं होते। देन वी डिस्कस अल्कीन, दैट अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कॉन्टेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड ओलिफिन। ओलिफिन मीन ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो हायर अल्कीन होते हैं वो ऑयल बनाते हैं। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसमें एग्जाम्पल जो है सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन जो है वो है इथीन, सही है, और इसका फार्मूला क्या है? C2H4। ओके, अल्काइन। अल्काइन इज आल्सो अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कॉन्टेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। दे हैव टू हाइड्रोजन एटम लेस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। एग्जाम्पल आर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। द सिंपलेस्ट अल्काइन इज इथाइन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2NH2। ओके स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। चलो मैं अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी अबाउट यूनिट नंबर 12। स्टूडेंट्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। वेरी गुड। व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन contain carbon atom contain single covalent bond, while unsaturated hydrocarbon is a type of hydrocarbon in which the carbon-carbon bond is double or triple covalent bond. Very good. Acha, ab what are alkanes? Alkane is a type of saturated hydrocarbon in which carbon singly covalent bonded with the other carbon. Very good. What is alkene? In alkene, the carbon make double bond with the other carbon atom. And what are alkynes? In alkynes, the carbon make triple bond with the other carbon atom. Very good. Students, can you write the molecular formula of methane? Good. CH4 is the molecular formula of methane. Okay student, can you write the molecular formula of butane? Very good. C4 and H10
is the molecular formula of butane. Students, can you write the structure formula of pentane? Very good. This is the structure formula of pentane. This is carbon number 1, carbon 2, carbon 3, 4 and 5. We have 5 carbon atoms, so we use prefix penta. Students, can you write the molecular formula of propene? Very good. C3H6 is the molecular formula of propene. Students, can you write the electron, dot and cross formula for ethene? Very good. This is the electron, dot and cross formula for the ethene. Students, can you write the structure formula of hexene? Very good. This is the molecular formula, the structure formula of hexene. Students, can you write the condensed formula of pentyne? Very good. This is the condensed formula of pentyne. Students, can you write the molecular formula of hexane? Very good. This is the molecular formula for hexane. Students, can you write the structure formula of butane? Very good. This is the structure formula for the hexane. Okay, students, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. Take care of yourself. Allah Hafiz. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. وزدنا علماً.